सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इस्लामी कैलीग्राफी की एक बहुत खूबसूरत कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला का खूबसूरत सा नाम लिखने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो हैं पेंसिल, फोट, हाइलाइटर और मार्करी रंग। इसके अलावा एक अदद मैंने शीशा इस्तेमाल किया है और उसका इस्तेमाल आप आखिर में देखेंगे। सबसे पहले आप अपना कलर कम्बिनेशन डिसाइड कर लें कि आपने कौन से कलर्स को इस्तेमाल करना है। अल्लाह, इस मार्कर की तो निब ही नहीं है। चलें इसको पीछे से खोल के चेक करते हैं। अक्सर मार्कर की निब अंदर धंस जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसकी जी निब सिरे से है ही नहीं। हालांकि ये बिल्कुल नया मार्कर है, पूरा मार्करों का एक सेट मैं ख़रीद कर क्राफ्टिंग की वीडियो वगैरह के लिए लाई थी और बिल्कुल न्यू मार्कर है। आप चेक कर सकते हैं, इसकी चमक भी अभी मंद नहीं पड़ी और ये पहली दफ़ा मैंने खोला है और इसकी निब गायब है। यह हम पाकिस्तानियों की खूबसूरत काम। अच्छा, बाकियों की निब है, बाकी अब खुल नहीं रहा। चलें, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि बाकी में होंगी निब। चलें जी, अपना काम शुरू करते हैं। जब भी आप फुट का इस्तेमाल कर रहे हों किसी भी कलर में या किसी भी मार्कर को इस्तेमाल करते हुए, तो मार्कर की जो रोशनाई होती है वो हल्की हल्की इस फुट के साथ लग जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप साफ़ कपड़े से इसको थोड़ी देर बाद साफ़ कर लिया करें, क्योंकि अक्सर नए सीखने वाले इस बात का गिला करते हैं कि फुट के ऊपर जो हल्का हल्का रंग लगा हुआ होता है उसकी वजह से हमारा पेज ख़राब हो गया है। इस इस्लामी कैलीग्राफी के अलावा जो फूल आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अगर आप इसकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप इस फूल को भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।